शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा आता है हर छोटी छोटी चीज़ों पे, शेर के अंदर ही गुस्सा है। अब शेर अगर गुस्सा नहीं करेगा तो वो बिल्ली बन जाएगा, तो शेर और बिल्ली में यही फ़र्क है बेसिकली। बिल्ली बिल्ली क्या, बिल्ली शेर में क्या डिफ्रेंशिएट करूँ, बट जनरली शेर को गुस्सा हर छोटी चीज़ में आता है, क्योंकि शेर का कैरेक्टर वैसा है। और वो अपनी माँ के अगेंस्ट में, माँ के साथ कॉम्पिटिशन में अपना काम चालू कर रहा है। तो कोई भी चीज़ होती है जो उसके काम में दखलंदाजी करती, तो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि उसके काम को रोकने की साजिश की जा रही है। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी साजिश की जाएगी शेर के काम में, तो फिर शेर तो धाड़ेगा ना, ऐसा है। तो अंदर ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या, किसने क्या किया जो फिर से शेर गर्म हो गया? फिर से शेर इसलिए गर्म हुआ बिकॉज क्योंकि काम चलते चलते बंद हो जाएगा, और फिर उसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे कैसी इश्यूज होते हैं, वो सब बाद में पता चलेगा आपको। हर चीज़ नहीं बता दूँगा। ऑलराइट, यू वांट एनीथिंग एल्स? एक सेकंड कट कर दो, तो अभी शॉर्ट में भागते हुए आएंगे। अभी मेरे को दे दे, शॉर्ट में भागते हुए आएंगे। अभी मेरे को अभी देखो तो मेरे पास ही हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो रुक के रख, अभी उधर ही रुक एक बार। तो शेर आज किस बात पे गुस्सा आया शेर को? आज शेर को उसी बात पे गुस्सा आया कि उसके काम में दखलंदाजी हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो भी है तो वो उस पर गुस्सा कर रहा है। बट वो चाहता है कि एकदम स्मूथली काम चले, हालांकि वो भी जस्टिफाइड है। अब जिस तरीके से काम चालू है, वो इतना बड़ा ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास टेंडर लेके बैठे हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्रॉब्लम तो आएगी, और गुस्सा नहीं आएगा तो फिर आगे और ड्रामा कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए शेर को गुस्सा आ रहा है। माँ के बेटी जो है, माँ के लाडले, माँ से काफ़ी अगेंस्ट हो गए। हाँ, वो भी एक फ्रेज एंड दैट पैरा ऑफ द स्टोरी इज दैट दैट्स हाउ द शेर सिंह विल बी involved with good activities, बहुत हरकतें कर दी, ही हैज़ बीन लाइक अ माफिया एंड ऑल दैट। अब वो कैसे अच्छा आदमी बन के ऐसे सब काम निकालता है प्यार मोहब्बत से? बेसिकली एक वो कहावत है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ये बातों के भूत, लातों के भूत भूत बातों से कैसे मानेंगे, ये शेर सिंह जस्टिफाइड करेगा, अप्रूव करेगा कि भैया बातों से भी चीज़ें हो सकती है। बहुत बंदूकें चला ली, बंदूक ताना आजकल वो छोड़ दी, पीछे बंदूक होती थी पूरा दिन भर वो हटा दी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक यू नो, एक नया कैरेक्टर है। श्रद्धा के प्यार ने बदल दिया शेर को? जी नहीं, स्टोरी ने। हाँ, एक्चुअली बात वही है, श्रद्धा का प्यार इतना इंटेंस है, श्रद्धा का मतलब वो शेर सिंह को अब गुड बॉय बिल्कुल नहीं बनाएगी। सो ये मत सोचेगा कि मैं गुड बॉय बनने वाला हूँ, मैं वैसा ही हरामी रहूँगा, because that's how the thing is gonna be. So he's gonna be that rough, rugged, tough, but the another character which was hidden since long that will come out, that is he's soft hearted and he's very well spoken jahan pe usko karna rehta hai, aur acche bhale ko chup kara dega, kisi ke baap ko bhi chup kara dega. Ab wo Shraddha usko bata rahi hai ki aapke andar wo qualities hain, so that I'm enhancing all those. टैटू? हाँ, एक्चुअली सही बात बोल रहे हैं आप। मेरा टैटू बैक पे भी है, वो 10 साल पुराने टैटू हैं। आई हैव गॉट 2 स्कॉर्पियंस, बट ये बेसिकली ये मेरी वाइफ का नाम है साक्षी, तो ये उसके नाम, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेयर रिंग्स, दिस समथिंग, दिस एंगेजमेंट रिंग, दिस समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई फाउंड, सो आई हैव गॉट दैट नेम प्रिंटेड। अभी तो उसको रिटच भी कराना, थोड़ा ब्लर हो गया है।